ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस ने पूरे देश भर में केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इस देश में फिलहाल बदले की राजनीति की जा रही है। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे क्या वो डराएंगे धमकाएंगे। जो कल राजनीति में आए हैं इनकी अभी रगड़ाई भी नहीं हुई है, क्योंकि ये बड़े बड़े पद पर बिना रगड़ाई के ही आ गए हैं। सीएम गहलोत के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत को यह जमीनी हकीकत पता चल चुकी है कि राजस्थान में कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। यही कारण है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र की बात करना मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस के नेताओं को इसलिए शोभा नहीं देता कि देश पर आपातकाल कांग्रेस ने थोपा था। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर सैकड़ों बार राज्य सरकारों को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचे गए और राजस्थान में भी इस कांग्रेस सरकार के शासन में जिस भी कांग्रेस व अन्य विधायकों ने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करा दिए गए। विधायकों की जासूसी के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने पूर्व पीसीसी चीफ व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उनको बर्खास्त किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। इस बारे में सबको पता है। पूनिया ने आगे कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के व अन्य विधायकों को डराने धमकाने के लिए भी पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया। उनके घरों पर जासूसी के लिए पुलिस का पहरा बिठा दिए गए। क्या ये कार्यशैली लोकतंत्र की बात करने वाले अशोक गहलोत के लिए शोभा देती है? वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं पर की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी पूनिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि अपने हक के लिए जयपुर में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस सरकार ने तानाशाही रवैये से गिरफ्तार कर उनकी आवाज को दबाया है। मुख्यमंत्री बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन वह उनकी कार्यशैली से साम्यता नहीं रखती। वहीं रीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच कराने से मुख्यमंत्री को किस बात का डर है? अगर डर नहीं है तो सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करनी चाहिए, जिससे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिल सके। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री इस मामले की सीबीआई से इसलिए जांच नहीं करवा रहे क्योंकि इस पेपर महाघोटाले में कांग्रेस के बड़े नेताओं से तार जुड़े हुए हैं और पेपर लीक माफियाओं को कांग्रेस सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पूनिया ने आगे कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं व घोषणाओं की बात करें तो ज्यादातर कागजों में है और जो किसानों एवं युवाओं से वादे किए गए वो आज तक भी अधूरे हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, भर्तियां और किसान कर्ज माफी सहित इत्यादि के नाम पर सिर्फ वादा खिलाफी की गई और झूठ बोला गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आगे कहा कि सीएम गहलोत को यह जमीनी हकीकत पता चल चुकी है कि राजस्थान में कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। मुख्यमंत्री गांधी खानदान को खुश करने के लिए केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करते हैं और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र करते हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। जनता आतुर है कांग्रेस की प्रदेश से हमेशा की विदाई के लिए और 2023 में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं कल्याणकारी योजनाओं से 3/4 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी और कांग्रेस को जनता हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।